साथियों, विकसित भारत वो नहीं होगा जिसका भविष्य भाग्य के भरोसे हो। इसलिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता को हम तेजी से कम कर रहे हैं। इसलिए हम देश के लिए बड़े लक्ष्य बना रहे हैं और उनके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम भी कर रहे हैं। भविष्य में हम एक ऐसा भारत देखेंगे जिसे लाखों करोड़ रुपए का खाद्य तेल बाहर से लाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे पाम ऑयल मिशन की मदद से हमारे किसान इतने सशक्त हो जाएंगे कि वो देश के पैसों की बचत कर सके। बीते कुछ वर्षों में दलहन, तिलहन और श्री अन्न के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं जिससे छोटे छोटे किसानों को मदद हो रही है। भविष्य में भी हमारे किसानों को इनसे और लाभ मिलेगा। किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमने देश के कोने कोने में अमृत सरोवर अभियान भी शुरू किया। आजादी का अमृत महोत्सव हम बहुत कुछ कर सकते थे। हम दिल्ली के अंदर कोई एक बड़ा ताबूत खड़ा कर दे के नाम लिखवा सकते थे कि आजादी के अमृत काल में मोदी जी ये बना के गए हैं। हमने आजादी के अमृत वर्ष को जन आंदोलन बनाया और काम क्या किया, तालाब बनाए। हर गांव में जब तालाब बनते हैं ना, वो किसान को सुरक्षित करते हैं, शुद्ध पानी की गारंटी देते हैं, जमीन उर्वरक बना देते हैं। लंबे भविष्य को सोच करके ऐसे काम हम करते हैं। और इस अभियान के तहत देश में अब तक 60,000 से ज्यादा नए सरोवर बनाए जा चुके हैं। 60,000 तालाब, शायद ही किसी सरकार के नसीब में इतना बड़ा काम करने का सौभाग्य आया होगा। ये सरोवर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों की मदद करेंगे। आज ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े अभियान और सोलर रूफटॉप मिशन के कारण देश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द भारत दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनेगा और इससे पूरी दुनिया में नई कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन को भी भारत गति देने का निमित्त बनने वाला है। पोर्ट लेन ग्रोथ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक आने वाले समय में हर क्षेत्र को नई ऊंचाई मिल सकेगी।